आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, और हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था, और डिस्कस किया था टेक्स्ट के फॉर्मूले, और हमने टेक्स्ट की पहली फॉर्मूले को पढ़ा था, और दूसरी फॉर्मूले को हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, इसके लिए मुझे काफी कॉल्स आया है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सर्कुलर रेफरेंस का एरर आता है, क्या क्या करें इसके लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इस सर्कुलर रेफरेंस को शेयर किया जाए। हालांकि ये सर्कुलर रेफरेंस मैं कोर्स में नहीं रख रखा था, मैं नहीं बता रहा किसी को जरा, क्योंकि छोटी सी चीज थी, लेकिन इतने ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा कि नहीं, छोटी सी चीज मेरे लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं है। क्या चंदन जी? तो यस सर। हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर रेफरेंस। आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यहां नीचे सर्कुलर रेफरेंस का एरर आएगा और रिजल्ट आपका जीरो आ जाता है। वो क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसी चीज पे हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्कुलर रेफरेंस होता क्या है, देखिए जैसे कि हमने यहां पे 20 लिया, मान लीजिए कि मैंने बोला इक्वल B1 plus 20, राइट? हमने बोला कि B1 plus 20, और फिर मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई A1 की वैल्यू प्लस 20, तो एंटर मारते आपके यहां पे आएगा सर्कुलर रेफरेंस का एरर। यहां देखे ना सर्कुलर रेफरेंस, और इस तरह का एरर बन जाता है, और यहां पे सर्कुलर रेफरेंस का एरर। अब इस अभी जो है कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा आपके एग्जाम में। ऐसा क्यों हुआ, क्या एरर समझ में आ गया, ऐसा हुआ क्यों? बेसिकली सर्कुलर रेफरेंस का एरर क्या हुआ कि मैंने मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए सुदीप जी और चंदन जी आप दोनों आदमी हैं, ठीक है, मैंने एक सामान खरीदा, ठीक है, और मैंने बोला कि सुखदीप जी आप पैसा चंदन जी को दे दीजिएगा, तो चंदन जी से ले लीजिएगा, तो चंदन जी को पैसा, सुखदीप जी को पैसा किससे लेना है, चंदन जी से लेना है, और चंदन जी ने बोला कि आप जो है पैसा सुखदीप जी से ले लीजिएगा। अब चंदन जी को भी पैसा सुखदीप जी से लेना है, तो आप लोग तो लड़ जाइएगा ना, बोले मुझे दे तो मुझे दे, मुझे लेना है, चंदन जी बोलेगा नहीं मुझे लेना है, क्या तो देने वाला कोई नहीं है, बस लेने वाला है। तो यही प्रॉब्लम यहां पर है कि बी हमने बोला कि ए वन को बोला कि बी वन की वैल्यू में 20 ऐड कर दो, और बी वन को बोल रहे हैं कि तुम ए वन की वैल्यू में 21 कर दो। अब यहां पे अपना किसी की वैल्यू तो है ही नहीं, बी वन लिंक है ए वन से और ए वन लिंक है बी वन से, तो बी वन कह रहा है ए वन को कि तू वैल्यू दो 20 ऐड करना है, ए वन कह रहा है कि नहीं तुम दो मुझे 20 ऐड करना है, और कहीं पे कोई वैल्यू है ही नहीं, समझ गए? यस सर। तो ये सर्कुलर रेफरेंस हुआ, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सर्कुलर रेफरेंस, मतलब कि ये दोनों डायरेक्ट एक दूसरे से लिंक है, या सिंपल एक कह दो ना कि क्या बोलते हैं उसको कालिदास के शब्दों में कि जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो तो गिरना है। तो ये होता है डायरेक्ट, एक होता है सेल्फ सर्कुलर रेफरेंस, मतलब कि मैंने बोल दिया यहां पे कि A3 plus 20, समझे, ए भी एक तरह का सर्कुलर रेफरेंस कहलाएगा कि A3 जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसी सेल में रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे कि ये चीजें कब होती है, मैं आप एक सर्कुलर रेफरेंस को हटाने का तरीका है कि आप जो वैल्यू सर्कुलर रेफरेंस में लगा हुआ है उसको डिलीट करो, हट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं कर रखा है
तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे हमने वैल्यू लगा दिया, क्यूमुलेटिव टोटल निकालना है, तो क्यूमुलेटिव टोटल में हमने यहाँ लगा दिया कि दैट इज प्लस बी वन, ए वन प्लस बी वन, बी वन ये आ गया सर रेफरेंस, नीचे हम ड्रैग करते हैं। हमने सोचा कि हमें इसकी ऊपर वाली वैल्यू में इसको प्लस ऐड करना है, तो हम जिसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी का रेफरेंस दे रहे हैं जो कि गलत है। तो यहां पे मुझे करना होगा ए ए, और इसका रिजल्ट होगा कि मुझे करना है कि ए प्लस, फिर इसको ड्रैग करेंगे सर्कल रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो सर्कल रेफरेंस तीन तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ सर्कल रेफरेंस जो कि मैंने आपको ही बताया कि जिस सेल में आप फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं आप उसी सेल से उसको लिंक कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है डायरेक्ट सर्कुलर रेफरेंस। अब ये जो चीजें चीजें बता रहा है कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट यस सर्कुलर सर, रेफरेंस क्या होता है कि आपका सेल की आप मतलब कि जिस सेल मतलब कि दो सेलों में एक दूसरे के ऊपर आप उसको लिंक कर रहे हो, मतलब कि वही A1 की वैल्यू B1 से जोड़ रहे हो और B1 की वैल्यू A1 से जोड़ रहे हो, कोई वैल्यू है ही नहीं तो इसलिए आपको रेफरेंस आ रहा है। तो दोनों से रेफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि यस सर, यस सर, तीसरा तीसरा जो सर्कुलर रेफरेंस आता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल, समझ गए। जैसे कि यहां पे मान लीजिए कि सेल्स का ये मान लीजिए क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, ये हमारा कमीशन है, समझे, ये हमारा टैक्स है, ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा एमआरपी है। तो हमने रिजल्ट ये डाला और हमने अमाउंट में बोलना है कि सम हम बोल रहे हैं सम इसको प्लस कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है, मल्टीप्लाई किए इससे, और हम कमीशन को, कमीशन जो है कमीशन को हम जो है सम कर, कमीशन को हम इसका मल्टीप्लाई बाय 2% कर रहे हैं और टैक्स भी मल्टीप्लाई बाय 12% कर रहे हैं। और यहां पे एमआरपी में हम कर रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय अब प्लस 100, अब यहां सर्कुलर रेफरेंस आ गया। हेलो जी, यस सर, हेलो, या हाँ बोलिए। तो सॉरी सर, यहां पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है कि इसमें डायरेक्ट नहीं है, सेल्फ भी नहीं। बोले कि भाई इसमें तो मैं किसी सेल को उस किसी सेल से लिंक तो नहीं किया मैंने, हर कोई अलग अलग लिंक है इससे, क्या बोल रहे हैं, फिर सर्कल रेफरेंस क्यों आया चंदन जी, सुखदीप जी। तो यहां पे देखिए यस सर, हमने क्या बोला, अमाउंट जो है हमने बोला कि अमाउंट जो है एमआरपी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। फिर हमने यस सर, हमने हमने कमीशन बोला कि कमीशन जो है वो एमआरपी का नहीं सॉरी अमाउंट का 2% है और टैक्स जो है 12%। और फिर हम एमआरपी को बोल रहे हैं जो कि एमआरपी इससे लिंक नहीं है,
ये हमने बोला है अमाउंट, इससे कि एमआरपी जो है कमीशन टैक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें +100। अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट जो है कहीं किसी से लिंक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कमीशन कब कैलकुलेट होगा, जब अमाउंट कैलकुलेट होगा क्या सर? और अमाउंट कैलकुलेट कब जो होगा, जब यस सर, एमआरपी कैलकुलेट होगा। एमआरपी कब कैलकुलेट होगा, जब कमीशन कैलकुलेट होगा। बात हुई होगी कि कमीशन कब कैलकुलेट होगा, तो अमाउंट कैलकुलेट होगा। अमाउंट कैलकुलेट कब होगा, जब एमआरपी कैलकुलेट होगी। एमआरपी कैलकुलेट कब होगा, जब कमीशन कैलकुलेट होगा। समझ में आया कुछ कि नहीं चंदन जी? यस सर, सुदीप जी आपको समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। तो अमाउंट कब कैलकुलेट होगा, जब कमीशन कैलकुलेट होगी। कमीशन कब कैलकुलेट होगा, जब ये चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमने एक दूसरे पे ही इसका कर दिया, इसलिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। इसका सॉल्यूशंस के लिए आपको जो कैलकुलेशन एक दूसरे पे कर रहा है उसके लिए एक अलग सेल ऐड करके कैलकुलेशन कीजिए, फिर उससे लिंक कीजिए, समझे? तो कहने का मतलब, या फिर कोई एक मैनुअल करना पड़ेगा। तो सर्कुलर रेफरेंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, क्योंकि सर्कुलर रेफरेंस एक प्रॉब्लम है, एक एरर है, जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप उसकी कोई बेस नहीं दे रहे। तो उसका एक ही है कि जब उसको एक बेस दीजिएगा तभी वो कैलकुलेट करेगा। तो मुझे आशा है कि आने वाली क्लासेस, आने वाले समय में अगर आपके पास कोई सर्कुलर रेफरेंस का एरर हुआ तो आप उसको संभाल लेंगे।